ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन स्कॉलरशिप्स और जॉब्स के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तलबा में 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान किया गया था और स्टूडेंट्स की तरफ से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि PM लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, अप्लीकेशन किस तरह जमा करानी है। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत दे दी हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया है कि वो अपने स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करें और इस हवाले से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बाकायदा स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर लिया गया है, जबकि बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने अभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। इस हवाले से स्टूडेंट्स आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसमें तमाम बैचेस के CR को हिदायत दी गई कि वो अपने स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करें जिसमें स्टूडेंट से उनका नेम, CNIC, फादर नेम, ईमेल ID, CGPA, लास्ट एग्ज़ाम और इसके बाद कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन हासिल करें। और इसी तरह स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से भी स्टूडेंट से गूगल फॉर्म के ज़रिए जो है डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और अब स्टूडेंट्स का डाटा यूनिवर्सिटीज़ को मौसूल हो चुका है और अब जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की जानी है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी मुतलका यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अभी तक डाटा नहीं कलेक्ट किया गया तो आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आपकी मुतलका यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी से PM लैपटॉप स्कीम के हवाले से रब्ता करें या आपकी मुतलका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट मौजूद हैं आप उसके ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं।